गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ऑफ बीए पार्ट वन गवर्नमेंट कॉलेज चाकसू. दिस इज़ डॉक्टर अंशु शर्मा एंड टुडे वी शैल बी कंटिन्यूइंग विद द पोएम दैट आई हैड स्टार्टेड विद यू अर्लियर. दैट इज़ द वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल बाय सुजाता भट्ट. हियर ऑन द स्क्रीन्स यू हैव द सेम पिक्चर दैट आई हैड शेयर्ड विद यू अर्लियर. एंड the poem that we were discussing was about child infanticide. Kanya Bhrun Hatya ke upar kendrit thi ye poem aur iske lagbhag do paragraphs hum log kar chuke hain along with the introduction. Today I shall be beginning with the third paragraph. Here this is the first stanza. We had done this and we had discussed how it is the city of Bombay in which this act is taking place. ये जो इतना illegal और निर्दयता से भरा हुआ कर्म है वो बम्बई जैसे इतने बड़े शहर के अंदर, जिसको प्रोग्रेसिव, जिसको के मानते हैं कि एजुकेटेड लोग रहते हैं वहाँ पर ऐसा हो रहा है. फिर सेकेंड पैराग्राफ में आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार वो बच्ची जो है, जो अनबॉर्न चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है, वो किस प्रकार डिस्क्रिप्शन देती है और अलग अलग चीज़ों से कंपैरिजन करते हुए अपनी बात को कहने की कोशिश करती है. और ख़ास तौर से जो उसका ब्रेन है, उसका जो माथा है, द हेड दैट हैज़ बीन कट ओपन फॉर टेस्टिंग, फॉर यू नो कंडक्टिंग मे बी अ बायोप्सी, उसका डिस्क्रिप्शन वो देती हैं. एंड शी कंपेयर्स इट टू अ पोमेग्रेनेट, अ फ्रूट विच इज़ रिच रेड इन कलर एंड विच इज़ सपोज टू बी वेरी हेल्दी. बट द गर्ल चाइल्ड इज़ वेरी स्पेसिफिक अबाउट टेलिंग अस दैट हर मदर नेवर यूज टू लाइक दिस फ्रूट. सो इनडायरेक्टली फ्रूट जो है, अपन बच्चे को या कोई भी नई चीज़, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पौधे के अंदर भी कोई नया चीज़ का पैदाइश होती है या कोई नया फल लगता है या फूल लगता है या फ्रूट लगता है, तो अपन कहते हैं फ्रूशन. इट हैज़ कम टू फ्रूशन. समथिंग इज़ बीइंग बॉर्न, फ्रूट हुआ, ठीक है, उत्पन्न हुआ. सो समथिंग लाइक दैट इज़ बीइंग सेड हियर. एंड ये कंपैरिजन जो है वो बच्ची जो है वो करती है और यहाँ पे बड़े ही सहज रूप से वो बताती है कि जो मदर है उसको कभी भी पोमेग्रेनेट का जो फल है वो कभी पसंद नहीं आया और वो उसको रिजेक्ट कर देती है. और उसी प्रकार से वो इस बच्ची को भी रिजेक्ट कर देती है. टुडे वी विल डू द थर्ड पैराग्राफ. इट इज़ देयर ऑन योर स्क्रीन्स नाउ. अब आप देखें कि आफ्टरवर्ड्स एवरीवन स्माइल्ड. But now I ask you to look for me, mother. Look for me because I won't not come to you in your dreams. Look for me, mother, because I won't become a flower. I won't turn into a butterfly and I am not a part of anyone's song. Please note that in this third paragraph, the child is talking about all those things which usually, people make comparisons with. When a child is born, these are the things that usually, which are the common markers that people are smiling, people are laughing. Sab bacche ko god mein lene ki cheshta karte hain, sab bacche ko khilana chahte hain, sab ke chehron pe hansi hoti hai, muskurahat hoti hai aur khushiyan jo hain wo ghar mein charon aur phaili rehti hain. Lekin yahan pe aap dekhte hain ki vipreet hota hai ki jab wo mother तैयार होकर ऑपरेशन के बाद आती है तब सबके सब जो लोग हैं उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है. अब दिस इज़ समथिंग वेरी शॉकिंग बिकॉज एन एक्ट दैट हैज़ बीन डन बाय द मदर एंड मे बी विद द फैमिली इन इट टुगेदर, फॉर दैट एक्ट दे ऑल शुड बी अशेम्ड. दिस इज़ एन एक्ट विच इज़ नॉट एन एवरी डे अकरेंस और समथिंग विच इज़ टू बी अप्रिशिएटेड और समथिंग टू फील हैप्पी अबाउट. दिस इज़ अ शेमफुल एक्ट, दिस इज़ अ क्रूअल एक्ट एंड ऑन योर फेस इज, इवन इफ यू हैव डन सच अ डीड, देन द एक्सप्रेशन ऑन योर फेस इज शुड बी ऑफ शेम, शुड बी ऑफ एप्रीहेंशन, शुड बी ऑफ फियर, राइट? बट हियर लुक एट the description that the poet is giving us. The poet says, afterwards everyone smiled. Afterwards, किसके बाद? After the operation was done, after the child was terminated.
ठीक है, उसके बाद सबके चेहरों पर मुस्कुराहट है एंड दिस इज़ वॉट ब्रिंग्स द पैथोस, दिस इज़ वॉट इज़ रियली ट्रैजिक, कि जो कर्म करके आपका सर शर्म से झुकना चाहिए था वो होने के बजाय आपके चेहरों पे एक रिलीव्ड मुस्कुराहट है, विच इंडिकेट्स कि आप सब के सब मुजरिम हैं, आप सब के सब जिसको कहते हैं मजे हुए मुजरिम हैं, आप ऐसा कह सकते हैं कि आपने किसी की हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी एक बच्ची की, एक असहाय बच्ची की, और आपके चेहरों पर मुस्कुराहट है। सो दिस इज़ लाइक बहुत सिंपल शब्दों में पोएट्री बात कह रही है, लेकिन आप वज़न देखें इन शब्दों का कि एक तरह से जो डिमोनिक पर्सनालिटीज़ हैं दैट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर बाय अ सिंपल लाइन दैट आफ्टरवर्ड्स एवरीबडी वाज रिलीव्ड, आफ्टरवर्ड्स एवरीबडी हैड अ स्माइल ऑन देयर फेस दैट द चाइल्ड हैज़ बीन टर्मिनेटेड, दैट द चाइल्ड हैज़ बीन अबॉर्टेड, बट नाउ आई आस्क्ड फॉर यू टू लुक फॉर मी। नेक्स्ट लाइन में जो है वो बच्ची उस बात को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ती है और सिर्फ एक व्यक्ति की उंगली पकड़ती है, जैसे बच्चे हैं एक माँ का आंचल पकड़ के या माँ की उंगली पकड़ के चलना सीखते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी पोएम में बच्ची तो जीवित नहीं रही लेकिन वो उसकी जो एक आवाज़ है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि शी इज़ ट्राइंग टू अराउज द कॉन्शियंस ऑफ द मदर एंड द मदर इज़ द पर्सन हु हैज़ डन दिस डीड एक्चुअली, बिकॉज द चाइल्ड वॉज इन साइड हुज़ बॉडी, इट वॉज पार्ट ऑफ हुज़ बॉडी, इट वॉज पार्ट ऑफ द मदर्स बॉडी, सो शी इज़ अगेन एंड अगेन क्वेश्चनिंग द मदर एंड शी सेज दैट आई आस्क यू टू लुक फॉर मी, देखो मुझको, देखो मुझे, ढूंढो मुझे, मिस करो, ये कहने की कोशिश कर रही है वो बच्ची, ये उसकी वेदना है, ये उसकी चाह है, ये उसकी इच्छा है, और वो कहती है मदर लुक फॉर मी बिकॉज आई वोंट कम टू यू इन योर ड्रीम्स। सो द चाइल्ड इज सेइंग दैट फाइनली आई हैव डिपार्टेड, आई हैव लेफ्ट दिस वर्ल्ड, यू डिड नॉट लेट मी लिव एंड नो लॉन्गर विल आई कम इन योर ड्रीम्स, आई विल नॉट इवन कम इन योर ड्रीम्स बिकॉज अब तुमने मुझे तज दिया है, तुमने मुझे त्याग दिया है, तो मैं तुम्हारी ड्रीम्स में भी नहीं आऊँगी, वहाँ तक में मैं कदम नहीं रखूँगी। लुक फॉर मी मदर, लुक बिकॉज आई वोंट बिकम अ फ्लावर, आई वोंट टर्न इन टू अ बटरफ्लाई एंड आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी वन सॉन्ग। नाउ दिस दीज थ्री कंपेरिजन, जो ये तीन उदाहरण दे रही हैं वो बच्ची जो दे रही है, ये बहुत ही मार्मिक हैं, बहुत ही आपको परेशान करते हैं, क्योंकि दीज आर द कॉमन यू नो कंपेरिजन्स दैट पीपल ड्रॉ व्हेन यू सी अ प्रिटी चाइल्ड और व्हेन यू सी अ प्रिटी लिटिल गर्ल, यू ऑलवेज से ओह शी इज़ एज प्रिटी एज अ फ्लावर, शी लुक्स लाइक अ रोज, शी लुक्स लाइक अ ब्यूटिफुल स्मॉल सिंपल फ्रेश फ्लावर, शी लुक्स लाइक दैट। एंड फ्लावर्स जिस तरह से कली से फूल बनते हैं, उसी तरह से बच्चा भी जब पैदा होता है तो आप कह सकते हैं कि वो बंद कली से वो एक फ्लावर जो है वो बन जाता है, और उतना ही खूबसूरत, उतना ही इनोसेंट, उतना ही क्लियर, उतना ही जिसको कहेंगे साफ होता है जिस तरह से वो एक फूल होता है। तो ये एक कंपैरिजन है। दूसरा बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कैसे बनती है, जो यहाँ साइंस के स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको पता होगा बटरफ्लाई का एक प्रोसेस होता है, बटरफ्लाई ऐसे ही नहीं डायरेक्ट पैदा होती है, बटरफ्लाई का एक लंबा प्रोसेस होता है। पहले एक एग बनता है, उसमें से कैटरपिलर निकलता है, कैटरपिलर खूब खाता है पत्ते वत्ते और फिर इट सो जाता है, अपने चारों तरफ वीव कर लेता है, एक प्यूपा बन जाता है और अल्टीमेटली उसमें वो कई दिनों तक वो उसके अंदर छुपा पड़ा रहता है, और जब धीरे धीरे वो बटरफ्लाई बनता है, वो कट के वो जो तागे हैं उनको काट के वो सुंदर सी एक बटरफ्लाई जो है वो निकलती है। तो बड़ी मेहनत होती है इस पूरे प्रोसेस में। उसी प्रकार जब एक बेटी पैदा होती है तो उसको अपन बड़ा करते हैं, उसकी अपन केयर करते हैं और वो धीरे धीरे बड़ी होती है। एंड गर्ल्स आर कंपेयर टू बटरफ्लाइज दैट दे आर सारे टाइम बोलती रहती हैं, इधर उधर दौड़ती रहती हैं, एंड दे आर लाइक यू नो नेवर सिट स्टिल, दे आर लाइक दे आर वेरी चार्मिंग एंड दे आर लाइक द यू कैन से जान होती हैं किसी परिवार की। They look so beautiful. They make people happy with their, you know, prattle, with their talking, with their activities. So they are compared to a butterfly. So the child says that now I will never become a butterfly. I will never become a flower, and I will never become a part of anyone's song. Part of anyone's song. This is also a very sweet description because you must have seen when children are young, तो नानी और दादी जो grandparents होते हैं usually when they are singing songs, जैसे lullaby है या कोई लोरी सुनाते हैं बच्चे को या कोई कहानी सुनाते हैं, तो उसमें जो main character होता है उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं उनका नाम डाल दिया जाता है, कि उस बच्चे का नाम देते हुए आप कहानी जो है उसको बुन देते हैं या उसको एक central character बना देते हैं, या आप कोई गीत गाते हैं तो उसमें भी आप बच्चे का नाम जो है वो जोड़ देते हैं। ये एक एक्चुअल
दिस इज़ समथिंग विच एक्चुअली हैपन्स, यू नो. सो द चाइल्ड सेज दैट आई विल नॉट बी एनी बडीज सॉन्ग बिकॉज नो बडी इज़ गोइंग टू सिंग टू मी एंड नाइदर एम आई गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ एनी वन सॉन्ग. नो बडी इज़ गोइंग टू मिस मी. नो बडी इज़ गोइंग टू थिंक अबाउट मी. यू ऑल हैव फॉरगॉटन. यू हैव ऑल डिसाइडेड टू डू अवे विद मी. यू हैव किल्ड मी. एंड दिस इज अ काइंड ऑफ अ कॉल, अ पेन्ड कॉल दैट द girl is, you know, giving out, and she is holding, or you can say she is kind of, you know, trying to arouse the mother's conscience, and she is trying to blame her mother for her murder, which is actually a murder. And she says that now I will not be ever come to life again, and I will not be part of anyone's memories. And she also says that she will never grow up like others because she has been deprived of life by her own mother. खुद की mother ने उसकी life जो है, उसका जीवन जो है, उसको छीन लिया है. And she accuses her mother of sending her to the land of the dead, where from where nobody can return. कौन सी जगह उसको भेज दिया? उसको ऐसी जगह पे भेज दिया है जहाँ से वापस कोई नहीं आता, और वो जगह जिसको आप डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते. तो ये बार बार जो मदर को कह रही है, लुक फॉर मी, लुक फॉर मी, ये क्या है? ये एक तरह से वो मदर की जो अंतरात्मा है उसको झकोड़ने की कोशिश कर रही है, उसकी माँ की जो अंतरात्मा है उसको पुकारने की कोशिश कर रही है कि माँ को महसूस तो हो कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है, माँ को महसूस तो हो कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है, कहीं तो वो उसको कचोटे, उसका अंतर्मन जो है वो कचोटे. सो वेरी ब्यूटिफुली द चाइल्ड हैज़ गिवन अस द वेरियस वेज इन विच अ चाइल्ड इज़ डिस्क्राइब्ड एंड द वेरियस वेज इन विच अ चाइल्ड इज़ टॉक्ड अबाउट और टेकन केयर ऑफ. देन इन द फोर्थ स्टैंजा यू सी, लुक मदर, लुक फॉर द प्लेस वेयर यू हैव सेंट मी. सेंट मी, मैंने अभी आपको बताया दैट शी हैज़ बीन सेंट टू द लैंड ऑफ द डेड, लैंड फ्रॉम वेयर देर इज़ नो रिटर्न. एक बार आप वहाँ पर पहुँच जाते हो तो वहाँ पर से लौटना नामुमकिन है. तो यहाँ पर वो बोलती है कि लुक वेयर हैव यू सेंट मी, लुक फॉर द अनस्पीकेबल. अनस्पीकेबल, नाउ दीज आर, इट्स अ वर्ड विच इंडिकेट्स दैट यू नो द लैंड ऑफ द डेड इज समथिंग विच इज़ हॉरेबल, समथिंग विच इज़ यू नो. इवन बड़े से बड़े लोग जो हैं वो वहाँ पहुँच के पहुँचना नहीं चाहते, डरते हैं, इतनी भयानक वो जगह है. और इतनी नन्ही सी बच्ची को इतने बेरहमी से वहाँ पे उस दुनिया में भेज दिया गया है जिसके बारे में वो डिस्क्रिप्शन भी नहीं दे सकती, विच इज़ अनस्पीकेबल ऑफ, विच कैनॉट बी स्पोकन, विच कैनॉट बी टॉक्ड अबाउट, विच कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड. इट इज़ अ लैंड फ्रॉम वेयर नोबडी कैन रिटर्न. सो she wants to emphasize this and she says, for the place that can never be described, it is one place which I cannot put into words, which I cannot express, I cannot tell you what it is all about. Look for me, mother, because this is what you have done. Now here in this particular line, the child is straight away targeting the mother, and she is kind of, you know, directly putting all the blame on the mother. पूरी की पूरी जो एक दायित्व है वो माँ के ऊपर बच्ची डाल देती है, और वो साफ तह साफ रूप से ये कहती है कि तुमने, तुम हो जिसने मेरे को इस लैंड में, इस जगह पर भेजा, एंड दिस इज़ वॉट यू हैव डन. औरों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये काम जो है वो तुमने करा है. इसलिए लुक फॉर मी मदर बिकॉज दिस इज़ नॉट गॉड्स विल. नाउ दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूजली वॉट हैपन्स, ह्यूमन बींग्स की बहुत आम सी, बहुत कॉमन सी एक तरीका है कि कुछ भी वो खुद करते हैं, कर्म खुद करेंगे, और इल्ज़ाम किसके ऊपर लगा देंगे कि भगवान ने ऐसा चाहा, भगवान ने ऐसे करा. इट वॉज़ गॉड्स विल, नथिंग कुड बी डन, द चाइल्ड डाइड, वी डिड नॉट डू एनीथिंग, इट वॉज द गॉड्स विल. वेरी कन्वीनियंटली यू पुट द ब्लेम ऑन गॉड. सो हियर द चाइल्ड सेज दैट दिस वॉज नॉट गॉड्स विल, दिस वॉज नॉट अ टर्मिनेशन दैट टुक प्लेस एक्सीडेंटली, और दिस वॉज नॉट एन अबॉर्शन दैट टुक प्लेस बिकॉज देर वर सम मेडिकल प्रॉब्लम विद द मदर, और बिकॉज द मदर वॉज इल और शी वॉज अनवेल. नो, दिस वॉज एक्चुअली थॉट अबाउट, दिस वॉज एक्चुअली कोल्ड ब्लडेड, यू नो, थिंकिंग हैड गॉन इन टू इट, एंड दिस वॉज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर. सो द चाइल्ड सेज दैट दिस वॉज नॉट गॉड्स विल, गॉड नेवर वॉन्टेड टू टर्मिनेट मी,
इट वॉज यू हु वॉन्टेड टू किल मी, इट वॉज यू हु डिड नॉट वॉन्ट द सेकेंड गर्ल चाइल्ड, एंड देयरफोर इट इज कंप्लीटली सोली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव बीन किल्ड. लुक फॉर मी मदर बिकॉज आई स्मेल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड. सो अगेन देर इज रेफरेंस टू दिस वर्ड बिकॉज देर इज लाइक इट इज द क्लिनिक विच इज यू नो बींग टॉक्ड अबाउट विच इज द सेंट्रल प्लेस वेयर दिस एक्शन हैज टेकन प्लेस. सो फॉर्मल्डिहाइड एक बार बार इस वर्ड के ऊपर एम्फेसाइज किया जा रहा है, रिपीट किया जाता है. आप देख सकते हैं कि सेकेंड पैराग्राफ में भी इसको बोला गया था, दो बार रिपीट किया गया, और यहाँ दोबारा से वो बच्ची इस शब्द का इस्तेमाल कर रही, क्योंकि आप अक्सर जब न्यूबॉर्न बेबी होता है आप उसको बेदिंग करते हैं, उसको नहलाते धुलाते हैं सॉफ्ट कपड़ों में, बेबी जॉनसन्स या जो भी आपके सॉफ्ट सोप्स एंड सॉफ्ट टैल्कम पाउडर्स होते हैं उससे आप बच्चे को कवर करते हैं, आप उसको डस्ट करते हैं, सॉफ्ट क्रीम्स लगाते हैं, एंड द चाइल्ड इज़ ऑलवेज स्मेलिंग वेरी प्लेजेंट. बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है नए बच्चे में से, बहुत ही एक सॉफ्ट स्मेल्स जो हैं, द चाइल्ड इट्सेल्फ इज़ वेरी सॉफ्ट, वेरी वेरी यू नो जेंटल इट इज़, वेरी सॉफ्ट, इट्स हैज़ अ वेरी सॉफ्ट स्किन, एंड द स्मेल ऑल्सो दैट कम्स इज़ वेरी प्लेजेंट, इट इज़ परफ्यूम्ड, यू नो. एंड वेयर एज दिस चाइल्ड शी इज़ बींग you know very clinically she is being you know put inside that solution to preserve her body because the test etc has to be conducted on her. So to preserve her body, the dead body, she is being put in this formaldehyde. So she smells of that horrible thing and she feels pain, and still I wish you would look for me mother. So the child is emphasizing this and she says that I wish you would look for me, I wish you would feel guilty, I wish you would feel sad, I wish you would feel bad that you have done certain, you have done such an act which is not redeemable at all, which is not to be excused, which should be punished. So she is trying to bring her mother to face the consequences of her act, to feel guilty, and she wants to say that it is the callousness, it is the merciless humans who have done this, and now the fetus has become a preserved specimen in a laboratory. So jahan par it would have been, if she had been allowed to live, she would have been, you know, chirping about, she would have been smelling beautiful, she would have been so soft, and she would have been loved by everybody, but she has been very mercilessly, she has been killed, and now she has become just a specimen in a laboratory. Ek laboratory ka specimen ki tarah wo ek part ban ke reh gayi hai, and she wishes that her mother looks at her and faces the consequences of her brutal act. She should at least be made to feel guilty, and she's the unborn child, in a way she's trying to look for justice, not only for herself but for everybody of her kind. So in a way this is like the child is trying to bring to the notice of all the people who may contemplate of doing such an act, or who may even think, so they should think twice, they should not get or indulge in such a brutal act. This is a kind of a warning, this is a kind of a call, or you can say the girl child is trying to bring an awareness amongst everybody that what the mother has done is not right, what the mother has done is illegal, what the mother has done is cruel, what the mother has done is brutal, and she should not be exempted, she should be punished. Just as any criminal is punished, in the same manner the mother also should be punished, and it is a kind of warning for everybody, it is a kind of a, or you can say it is a kind of a cry. The child is trying to arouse the inner conscience of all the people who think the way her mother thinks, or the way the family thinks about a girl child. So you can see that Sujata Bhatt has brought to light so many things, and the worst thing is that there are two things is poem mein, do cheeze aapko sabse zyada khatakti hain. Pehli ye ki maa jo ki ek preserver mante hain, jo ki ek sabse bada hriday mante hain maa ka, aur prati bacche ke prati to khaas taur se, to usne ye kathit matlab ye itna cruel act kiya,
एक तो ये बात हमारे सामने लाई जाती है, और दूसरा सुजाता भट्ट हमको ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि बॉम्बे जैसा सिटी, अब आप कहें कोई बैकवर्ड सा एरिया है जहाँ पे एजुकेशन पर्याप्त नहीं है, जहाँ पे रूढ़िवादिता है, वहाँ पर इस तरह का कोई जुर्म होता है, तो फिर भी हालांकि समझने वाली बात नहीं है, है तो गलत, लेकिन फिर भी आप एक बार को कह लेंगे अच्छा ठीक है वहाँ पे नहीं है इतनी अवेयरनेस। लेकिन बॉम्बे जैसा सिटी जिसको कहते हैं वो शहर जो कभी सोता नहीं है, वो शहर जहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो शहर जो बहुत रईसों का शहर है, वो शहर जहाँ पे जिसको अपन बहुत मॉडर्न मानते हैं, जिसको अपन कहते हैं कि वहाँ पे कोई डर नहीं है, आप कभी भी निकल जाएं, सेफ्टी है, उस शहर के अंदर एक गर्ल फीटस जो है, एक जो भ्रूण है लड़की का, उसका इस बेदर्दी से इस तरीके से उसको ख़त्म कर दिया जाता है, तो वो एक और शॉक जो वैल्यू है वो इसमें ऐड होती है। तो सुजाता भट्ट ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि ये जो सेक्स का डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत भीतर तक कहीं घुसा हुआ है, कि बम्बई जैसा शहर भी जो है उससे अछूता नहीं है। तो ये दो मेन बातें जो हैं वो हमको परेशान करती हैं, वो हमको अंदर तक काटती हैं कि इतने ऐसी जगह पर भी ऐसा कर्म हो सकता है, और दूसरा कि माँ जो सबको सबसे ज़्यादा एक आप प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं अपनी मदर के साथ, एक बच्चा अपनी मदर के साथ मैक्सिमम प्रोटेक्टेड महसूस करता है, वहाँ से सबसे ज़्यादा खतरा एक बच्चे को कैसे हो सकता है। सो दीज आर द टू थिंग्स, मेन टू थिंग्स दैट द पोएट इज़ ट्राइंग टू ड्रॉ आर अटेंशन टू, एंड एज द टाइटल सजेस्ट दैट इट इज़ अ पिटीफुल क्राई ऑफ द अनवांटेड गर्ल चाइल्ड, इट इज़ अ कॉल, इट इज़ अ कॉल टू ऑल ऑफ अस टू गेट अप, टू राइज एंड टू स्पीक अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एंड हियर स्पेसिफिकली द discrimination against the female child that is being practiced, that is what all of us should get together and fight against. So I hope the poem is clear. In my book this poem is given on page number 55, and please go through the whole poem, the word meanings are also there, and there are a few exercises at the back. Go through those exercises, try to do the fill in the blanks. If there's any problem, you can always call me up, and I shall be giving you certain assignments. I'll be giving you a few questions on this text. Please try and attempt them, and start making your notes, because you will be having your exams, and if you do not start making your question answers and notes, then you will get into trouble towards the end. So children, please, whatever I'm doing, whatever notes that I'm sharing, start going through them, and also start attempting the questions that I shall soon be sharing with you as assignment. So till the next lecture, please take care, stay safe, see you again soon. Goodbye.